देखिए कल से ही लगभग 14-15 घंटों से ये राहत कार्य चल रहा है। काफी लोगों को इससे निकाला भी जा चुका है और ये निरंतर चल रहा है। अब अंदर जो है अभी जो आंकड़ा जो हमें एक क्रूड आंकड़ा मिला था उसके हिसाब से लोगों की गिनती हो चुकी है, तो अंदर तो चीजें देखिए लगातार इसके चल रहा है। संभावना कम है कोई अंदर है, क्योंकि कोई अगर होता है तो उसके परिजन वगैरह भी संपर्क करते हैं, तो वो फिर भी लगातार हमारा राहत कार्य जारी है। सर अभी और क्या लग रहा है, अभी कितने घंटे अभी ये काम जारी रहेगा, क्योंकि रेस्क्यू वर्क भी थोड़ा धीरे किया जा रहा है इस अंदेशे से कि कोई अगर अंदर हो तो उसके ऊपर मलबा ना गिरे। नहीं देखिए, मलबा तो हटने में काफी ये समय लगता है क्योंकि मलबा बड़ी कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, लेकिन इसमें जो रास्ते बना के जो संभावित जगह है उनपे फाइनल एक देखा जा रहा है कि शायद कोई इसमें कोई फसाना रह गया हो इस तरह की, तो मलबा उठने में तो थोड़ा समय लगता है इसको क्लियर करने में, लेकिन टीमें लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार काम चल ही रहा है इसके लोग। देखिए इसमें लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार पिछले 14-15 घंटे से लगी हुई हैं, रात भर काम चला है और लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नगर निगम, एलडीए सभी लोग जो है इसमें एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप में जो है काम चल रहा है और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि सारा अभी चीजें चल रहा है। जब तक फाइनल हमें जो ओके नहीं हो जाएगा तब तक रहा।